इंग्लिश बॉन्ड में कैसी चल रहती है स्ट्रक्चर? तो क्या एक ही लेयर में स्ट्रक्चर और हेडर रहती है कि अलग अलग? एक लेयर में स्ट्रक्चर रहता है, एक लेयर में हेडर रहता है। हेडर रहता है अलग अलग। ये कौन सा है, स्ट्रक्चर है कि हेडर? हेडर है। ठीक है, और प्लम्ब ऑफ से आप चेक किए हैं? चेक करिए प्लम्ब ऑफ से, प्लम्ब ऑफ दीजिए इन्हें। ठीक है, चेक करिए आ रहा है कि नहीं आ रहा प्लम्ब ऑफ बराबर। ठीक है, ओके। ये ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा है, है ना? बाल्टी करा लम दोगे? ना पुटर ना है बंद। मुंडी ना मिलने काम लो। मेरे पैक करा चाहे ना इंतज़ार उधर। ठीक है। आ रहा कि नहीं आ रहा बताइए। नहीं आ रहा। रूप से ध्यान देना है, ठीक है ना? प्लम्ब ऑफ से चेक करना है अच्छे से, और प्लम्ब ऑफ हमारा सही से आना चाहिए, ठीक है? तब हमारा काम सही रहेगा, ठीक है? अगर सही काम नहीं करेंगे तो हमें दोबारा काम नहीं मिलेगा, ठीक है? ठीक है, और ये क्या है, हमने स्पिरिट से चेक किया इसको, इसको रख के सही है कि नहीं है? सही है। चलिए ठीक है, तो ये हमारा कौन सा बॉन्ड बन गया? अब अगली बार से जब हम कहीं भी काम करेंगे तो विशेष ध्यान देखेंगे कि प्लम्ब ऑफ हमारा सही आना चाहिए, ठीक है ना? सूत से भी चेक करेंगे तो सूत भी हमारा सीधा एकदम सटीक आना चाहिए, ठीक है? तब जाके हमारा बॉन्ड सही बनेगा, परफेक्ट काम होगा, ठीक है? चलिए, हमने और किसका किसका यूज किया है इस पे? ये तो स्ट्रेचर और हेडर हो गया है। क्यून क्लोजर भी लगाया क्या हमने? लगाया। कहाँ लगाया, कौन सी लेयर में, फर्स्ट में या सेकंड में? फर्स्ट और सेकंड में लगा है। क्यून क्लोजर हम क्यों यूज करते हैं? ज्वाइंट को काटने के लिए। ज्वाइंट को काटने के लिए, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है।